पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी यार कोई वगैरह लिंक्स वगैरह आप लोगों ने भेजने हो तो जाज वो इंस्टा पे आप भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल शो नहीं हो रहे यार लिंक्स इधर कमेंट सेक्शन में। आई थिंक सो कोई एरर आया हुआ है तो वो क्लिक करके ना ओपन नहीं होते। बिल्कुल ओपन नहीं होते, मतलब वो उसको जैसे ही मतलब स्टूडियो पे हम क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं। बिल्कुल, तो इसका इलाज ये है कि आप इंस्टाग्राम पर आके हमें वही लिंक सेंड कर दें, वहां से पिक करके इसी तरह लिंक वहीं से यही इंस्टा से लिया। एग्जैक्टली तो अब पहले तो आते हैं अपने इंट्रो पे। मेरा नाम वजाद है, मैं हूँ वशिष्ठ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है और ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनीज 2021। मतलब टेलीकॉम कंपनीज बताई गई है इसमें इंडिया और पाकिस्तान की, ये बिल्कुल लेटेस्ट कंपैरिजन होने लगा है। तो काफी ये इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है और हमें भी पता लगेगा कौन कौन सी है बेस्ट है। बिल्कुल, तो काउंटडाउन करते हैं। मिस्टर कमरान का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के जो वीडियोस हैं आपको इनके चैनल पे मिलेंगे, जो मतलब अच्छी बहुत बनाते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। व्यूअर्स वेलकम टू द वीडियो, और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडिया के टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर्स को पाकिस्तान के टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ। इंडिया के ज्यादा ही होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, हमारी 4-5 से में है ना। इंडिया में तमाम मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की सुपरविजन में काम करती हैं। अच्छा। और इंडिया में टोटल 1,153.7 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब पाकिस्तान में तमाम मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सुपरविजन में काम करती हैं, और पाकिस्तान में टोटल 177.6 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं। 17 करोड़ ना। इंडिया में नंबर वन पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है जियो। जियो के 408.7 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और जियो के ओनर जियो प्लेटफॉर्म्स हैं। जियो की फाउंडेड डेट 2007 है। पाकिस्तान में नंबर वन पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है जैस। जैस के 67.24 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और जैस की ओनर एक फॉरेन कंपनी वियोन है। जैस की फाउंडेड डेट 1994 है। इंडिया में नंबर टू पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है एयरटेल। एयरटेल के 338.7 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और एयरटेल के ओनर भारती एयरटेल लिमिटेड है। एयरटेल की फाउंडेड डेट 1995 है। पाकिस्तान में नंबर टू पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है टेलीनॉर। टेलीनॉर के 48 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और टेलीनॉर की ओनर एक फॉरेन कंपनी टेलीनॉर है। इंडिया में नंबर थ्री पे जो मोबाइल ऑपरेटर है वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के 284.2 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और वोडाफोन आइडिया के ओनर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैं। वोडाफोन आइडिया की फाउंडेड डेट 2018 है। पाकिस्तान में नंबर थ्री पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है जोंग। जोंग के 39.1 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और जोंग की ओनर एक फॉरेन कंपनी चाइना मोबाइल है। जोंग की फाउंडेड डेट 2008 है। इंडिया में नंबर फोर पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है BSNL। BSNL के 122 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और BSNL की ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान में नंबर फोर पे जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है वो है यूफोन। यूफोन के 23.25 मिलियन सिम कार्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और यूफोन के ओनर एतसिलात और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। यूफोन की फाउंडेड डेट 2001 है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया इंडिया की टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज को पाकिस्तान की टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार पहले वायरस थी इधर, वो जैज ने खरीद लिया है। इंडिया में मेरे ख्याल में एक डोकोमो भी सिम थी। बिल्कुल डोकोमो थी, आइडिया भी थी। आइडिया तो ये बताइए ना, मतलब वो अभी शायद इसके अंडर चली गई है जो वोडाफोन था ना। एग्जैक्टली हो सकता है, है ना। खरीद लिया पहले वो आइडिया था, क्योंकि वो काफी टाइम पहले आइडिया था। क्या तो नाम चेंज किया, मतलब खरीद लिया आइडिया को वोडाफोन ने। इंडिया की जब थर्ड नंबर वाली है उसमें वो भी टोटल पाकिस्तानी पॉपुलेशन ज्यादा है, सब्सक्राइबर्स देखा जाए तो। यार मतलब पॉपुलेशन वाइज है ना, ज्यादा लोग यूज करते हैं तो जाहिर बात है। 1.1 बिलियन 1.1 बिलियन
मगर वो 1.4 या 3.8 है ना, 1.38 है हाँ। तो उसमें से मतलब उतने, और पाकिस्तान में 210 थे, तो मतलब वही चीज है, तकरीबन वही चीज है किस्म की। मतलब यार सब्सक्रिप्शन ये क्या होते हैं कि एक बंदे ने 5-5 में भी रखी हुई, 10-10 भी रखी। हाँ ये बात सही बोली है यार। वैसे इंडिया में एक पर्सन के नाम पर कितनी सिमें निकल सकती हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो 5 निकलती हैं, इधर 5 ज्यादा नहीं निकलती हैं, 5 निकल जाती हैं और मतलब काफी अच्छा चल भी जाती है। और यार जियो सबसे ज्यादा निकला है और उसने आया भी सबसे लेट है, टारगेट भी बहुत जल्दी किया। वोडाफोन आईडिया की मैं मान तो सेकंड थर्ड नंबर पे था, लेकिन 2018 में आया, वो जिस स्पीड से वो भी आगे बढ़ा है, काफी स्पीड से बढ़ रहा है। और एयरटेल सेकंड पे, एयरटेल बेचारा पहले तो फर्स्ट पे था, जब से एयरटेल अभी भी वजह बहुत यूज हो रहा है तुझे पता है। एयरटेल का स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड वाइज एयरटेल काफी यूज लोग जिस तरह यहाँ पे बहुत हाँ। और जैज यार जॉन्ग का यार ज्यादा था, लेकिन जैज ज्यादा यूज होता है। मैं खुद इसको शॉक हूँ, मुझे नहीं पता था। मतलब NSL जो दोनों कंट्रीज में जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो कोई यूज ही नहीं करता ज्यादा है उसके सब्सक्राइबर्स भी है। हमारे यहाँ यूफोन गवर्नमेंट की और उनकी BNSL आई थिंक सो ना, ऐसे ही है उनका। तो एक चले जो भी गवर्नमेंट्स की भी सिमें होनी चाहिए वो भी यू, अभी ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो दूसरी सिम नहीं काम करती, कर जाती है बंद कर रहा है यूफोन भी, सही बोला, काम कर जाती है। हाँ इसी तरह इंडिया की होती है। और यार बता ना, जियो जब से आया ना इंडियन में, मतलब उससे पहले 300 का नेट तुझे पता है। हाँ बिल्कुल, ये हमने आज तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें यार मतलब 300 का नेट मिलता था 1 GB। अच्छा जियो जब से आया उसने इतना सस्ता नेट दिया और उसके बाद फिर सब कंपनी ने काम कर दिया। बस जाहिर बात है कंपटीशन है, एक कंपनी जब करेगी तो यार जाहिर बात है उन्होंने अपना धंधा तो ठप नहीं करना था, तो उन्होंने भी फिर काम करना पड़ा और सब ने अपना एक मतलब पैकेजेस ऐसे रखे के लोग यूज कर रहे हैं। एक ये अच्छी चीज है और ज्यादा एयरटेल और ये यूज होता है जियो, उनका बहुत ये राइवल कंपनी और आइडिया भी काफी अच्छी लिस्ट में आ रहा है। वैसे आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? नहीं आपके पास कौन कौन सी सिम है यार, प्लीज बताना कितनी यार कमेंट सेक्शन में बताने के मतलब कितने बंदे कितनी सिम्स यूज कर रहे हो ये लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और मतलब किसकी स्पीड आपको अच्छी लगती है, आपके एरिया में कौन सी मतलब सिम की स्पीड सबसे तेज आती है और नेटवर्क किसके पैकेजेस बेहतर है सबसे। सो गाइस इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस्टर कामरान का वीडियो बहुत मस्त ये वीडियोस बनाते हैं। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, बाय।